तीन दिन तक चलने वाले हज़रत बाबा मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना तीन रोज़ा अजीमुशान की तैयारी मंगलवार को देखने को मिली। उर्से मुकद्दस और जलसे दस्तारबंदी की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। जलसे में शरीक होने के लिए भारी तादाद में दूर दराज से अकीदतमंद आते हैं। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए सदर दरगाह मुबारक खान शहीद इकरार अहमद ने कहा, सबसे पहले मीडिया के माध्यम से आप सबको बता देना चाहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत बाबा मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 11-12-13 जुलाई 2018 को मुनक्किद किया गया है। और आप का नाम मुबारिश है लेकिन आप मशहूर मुबारक खान शहीद के नाम से हैं। आप गजनी से आए हुए हैं, गाजी मसूद सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा भी हैं। गाजी मसूद सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह ने आपको गोरखपुर की सरजमी पे हक का परचम लहराने के लिए भेजा और बाबा गोरखपुर में ही हैं। हर साल की तरह इस साल मेला लग रहा, आपके ज़रिए हम तमाम लोगों को उर्स की मुबारकबाद देते हैं। इसका मैसेज क्या जाता है अवाम को? जो भी अल्लाह वाले होते हैं, जहां इनका बसेरा हो ही जाता है, वो जंगल हो या सहरा, वहाँ उजाला हो ही जाता है, तो हर लोग बाबा के दर पे रोशनी पाने के लिए आते हैं। अपनी मुरादों को पूरा, जो मन्नत मांगते हैं उनकी पूरा होती है। तमाम दूर दराज से लोग आते हैं, प्रदेश से कोने कोने से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जैसे कि बांग्लादेश नेपाल तक के लोग भी बाबा के वहाँ दर्शन करने आते हैं।